दोस्तों मैट्रिक इंटर 2025 के लिए 10 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है और इसके लिए जो 11 सितंबर से जो है डेट शुरू भी हो चुका है। 11 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक मैट्रिक वालों का डेट है और 11 से लेकर के 22 सितंबर तक इंटर वालों का डेट है। ये डेट हालांकि आपको दिखेगा दो तीन दिन ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, लेकिन फॉर्म भराएगा 11 से 22 तक इंटर का, 11 से 24 तक मैट्रिक का, क्योंकि ये 24 और 22 जो मैंने बताया ना, ये फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा दो तीन दिन दिखाई दे रहे हैं उसको लेके नहीं चलना है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि ये जो है डेट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा, दो बार तो कम से कम बिना लेट फाइन के बढ़ेगा और एक बार लेट फाइन के साथ 100% बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप डेट के बढ़ने का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल कॉलेज जाएँ और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। अब मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन जानकारियों के ना होने से ना कई बार गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, उनका कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत देखने सुनने को मिलता है हमारे ही वीडियोज़ में, बहुत सारे चैनल के वीडियोज़ में बच्चों ने कमेंट करके बताया कि हमारे स्कूल वालों को पता ही नहीं है अभी तक कि हाँ भाई फॉर्म भरा रहा है। बहुत सारे स्कूल वालों को ये नहीं पता है कि 11 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए, ये स्कूल वाले और कॉलेज वालों को पता चलने में किसी किसी को देर हो जाती है। अब इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अब यही देखिए ना, 10-12 का जो है ना, मैंने बार बार आपको बताया कि भाई डमी अपलोड करना है, सबका करना है, गलती है तो भी करना है, सही है तो भी करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने इस बात की जानकारी ना होने की वजह से अपलोड नहीं किया। अब इसका खामियाजा, इसका रिजल्ट कौन भुगत रहा है? तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड रुक गया है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? एग्जाम फॉर्म से जुड़े सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए फॉर्म जो है, एग्जाम फॉर्म दो तरह के जारी किए जाते हैं। एक तो प्रिंटेड प्रीफिल्ड, जिसमें सारे डिटेल बच्चों के भरे होते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका फोटो सिग्नेचर, सब कुछ छपा हुआ होता है। और एक होता है ब्लैंक, जो कि ऐसे बच्चों को भरने के लिए इस्तेमाल होता है जो इससे पहले एग्जाम दिए थे और फेल हो गए थे, यानी कि एक्स स्टूडेंट या फिर इंप्रूवमेंट वाले बच्चे। तो ये जो डेट आया ना, 11 से 22 तक इंटर का, 11 से 24 तक मैट्रिक का, तो इस डेट में सिर्फ पहली बार जो रेगुलर बच्चे हैं, जो पहली बार मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, केवल वही फॉर्म नहीं भरेंगे, इनके साथ साथ वैसे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे इसी डेट के अंदर जिन्होंने इससे पहले मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया था पर उनका क्रॉस लग गया, फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, ऐसे बच्चे भी इसी डेट में फॉर्म भरेंगे, बस उनका फॉर्म अलग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि एक प्रिंटेड फॉर्म जो कि रेगुलर बच्चों के लिए है और एक ब्लैंक फॉर्म जो कि एक्स बच्चों के लिए, फेल बच्चों के लिए या फिर इंप्रूवमेंट बच्चों के लिए है। तो अगर मान लेते हैं कोई स्कूल या कॉलेज अगर प्रिंटेड फॉर्म नहीं देता, फेल वाले ब्लैंक फॉर्म को ही रेगुलर बच्चों को भी दे देता है भरने के लिए, तो भी आपको उस फॉर्म को भर करके आप सक्सेसफुली फॉर्म भर भी सकते हैं और आप 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैंक फॉर्म भरने से कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों में से कोई भी फॉर्म भरिए। शर्त यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी आया हो। रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसका रुक गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया उसका फॉर्म तो जब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आ जाता तब तक भरा ही नहीं सकता। जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है वो फॉर्म भर सकते हैं, ब्लैंक वाला भरिए या प्रिंटेड वाला भरिए। अब इसको भरने का तरीका मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके चैनल पर डाल चुका हूं कि 10 का एग्जाम फॉर्म कैसे भरें और 12 का एग्जाम फॉर्म कैसे भरें। दूसरी बात आपको यह समझ लेनी है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आ गया इसमें सुधार नहीं होगा। जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आ चुका है प्रिंट होके, अब आपको एग्जाम फॉर्म में सेम टू सेम वही भरना है। अगर आप एग्जाम फॉर्म में चेंज करके भरते हैं तो भी चेंज होगा नहीं। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आ गया, आगे जब डमी एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी आया, सब्जेक्ट हो या आपका डिटेल हो, फोटो साइन हो, कुछ भी हो, जो आया है वही रहेगा। इसलिए एग्जाम फॉर्म में वही भरिए, सेम भरिए। अलग अगर भरते भी हैं तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आप कोई, आप में से कोई अगर सोच रहा हो कि हमको सुधार करवाना है तो हम एग्जाम फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि करिएगा तो भी कुछ होने वाला है नहीं ना। तो इसलिए आप एग्जाम फॉर्म में सही करके कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपली बस अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से अभी अपने एग्जाम फॉर्म को भर के जमा कर देना है। और जब ये एग्जाम फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर से नवंबर होते होते आएगा डमी एडमिट कार्ड, और डमी एडमिट कार्ड जब आएगा ना उस वक्त फिर से सुधार करने का मौका मिलेगा। उस वक्त चाहें तो आप फिर से सुधार कर सकते हैं, सुधार अभी एग्जाम फॉर्म भरते हुए कुछ भी नहीं कर सकते, कीजिएगा तो भी होगा नहीं, ये आप समझ लीजिए।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम उन बच्चों का जिनका किसी कारण से रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया। इनमें से अधिकतर बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके अपने स्कूल कॉलेज ने उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया, साइन करवा करके, अपना साइन करके, बच्चे से साइन करवा के, उसके गार्जियन से साइन करवा के अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड रुक गया है। और आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं साफ साफ, जो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये इंटर वालों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का पोर्टल है जिस पर स्कूल कॉलेज वाले ऑनलाइन करते हैं। क्योंकि आप जो एग्जाम फॉर्म भर के जमा कीजिएगा मैट्रिक इंटर का, आपको तो ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है फीस के साथ, ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ, अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो जमा कर देना है। और स्कूल वाले उस एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल है स्कूल और कॉलेज के लिए। तो इस पोर्टल पर लॉग इन करने से पहले देखिए यहां पर लिख दिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसका घोषणा पत्र साइन करके अपलोड नहीं किया गया था, उनका ना तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है और ना ही उनका प्रिंटेड एग्जाम फॉर्म जारी किया गया, कुछ भी जारी नहीं हुआ। मतलब ऐसे बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भटक रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, पूरे बिहार में अगर हम देखें तो लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया, और जब रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया तो ये एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। देखिए इस पर फैसला लेना तो अब बिहार बोर्ड को है, गलती हुई है और गलती हुई है स्कूल कॉलेज से। बच्चों ने बार बार जाकर कहा, बार बार अपने स्कूल कॉलेज के टीचर से बात की, उनसे कहा कि भाई घोषणा पत्र अपलोड करना है, लेकिन टीचर हैं कि मानने को तैयार नहीं। और इस लापरवाही की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य आज संकट में है। तो इस पर बिहार बोर्ड को ही निर्णय लेना है। बिहार बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए या तो एक मौका और देगा रजिस्ट्रेशन, डमी रजिस्ट्रेशन को अपलोड कराने का, या फिर ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करके उनको फॉर्म भरने का मौका देगा। लेकिन अब चूंकि गलती बच्चों की नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज के कुछ लापरवाह टीचर की है, इसलिए इसका खामियाजा बच्चों को तो नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए इस पर देखिए जो निर्णय लेने का अधिकार है, फैसला तो अब बिहार बोर्ड को ही लेना है। तो बिहार बोर्ड की तरफ से क्या फैसला आता है आपको फिलहाल इसका वेट करना होगा। लेकिन संभावना है, उम्मीद है कि बिहार बोर्ड बच्चों के हित के लिए सोचता है कि किसी का भाई साल बर्बाद ना हो, इसके लिए हमेशा से बिहार बोर्ड ने काम किया है। तो उम्मीद तो है कि इस साल भी ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा और ऐसे बच्चों को भी 2025 के मैट्रिक इंटर में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको स्वयं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट देखिए हर स्कूल कॉलेज में अलग अलग होता है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी आपसे मांगा जाए, हो सकता है आधार और पासबुक का फोटोकॉपी मांगा जाए, हो सकता है जाति आवासीय मांगा जाए, हो सकता है नहीं भी मांगा जाए। तो अलग अलग स्कूलों का, कॉलेजों का मामला अलग अलग होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट आपको अपने स्कूल से पूछ लेना होगा, कॉलेज से पूछ लेना होगा कि क्या क्या हमें फॉर्म के साथ जमा करना होगा। पैसे की बात करें तो पैसा भी देखिए है तो बोर्ड का शुल्क कम, लेकिन स्कूल कॉलेज वालों की तरफ से अलग अलग स्कूल कॉलेज में अलग अलग फीस निर्धारित किया जाता है। तो ये फीस भी एक्चुअल आपको जो मालूम पड़ेगा अपने स्कूल कॉलेज से ही मालूम पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। आगे सारी जानकारियों, सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।